नवरात्रे का तीसरा दिन है। कल माँ चंद्रघंटा की पूजा होगी। तृतीया तिथि को माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से शांति और कल्याण होता है। माँ के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र विद्यमान है, इसीलिए इनका नाम चंद्रघंटा है। माँ चंद्रघंटा का शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। उनके 10 हाथ हैं जिनमें खड्ग बाण आदि शस्त्र विभूषित हैं। उनका वाहन सिंह है। इनकी उपासना से मणिपुर चक्र जागृत होता है। तो आपको तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की उपासना करनी चाहिए। माँ दुर्गा के 9 रूप हैं, उनमें से तीसरा रूप है माँ चंद्रघंटा का। और चंद्रघंटा का अगर आप मंत्र भी पढ़ते हैं तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। ध्यान मंत्र इस प्रकार है, वंदे वांछित लाभाये चंद्रार्ध कृत शेख राम सिंहारूढ़ा दश भुजाम चंद्रघंटेति यशस्विनी। ये करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। स्त्रोत भी आप पढ़ सकते हैं जो इस प्रकार है, आपद्द्वारिणी त्वं हि आधा शक्ति शुभा पराम अणिमादि सिद्धिदात्री चंद्रघंटे प्रणाम्यहम। ये आप जपेंगे तो आपको माँ चंद्रघंटा का आशीर्वाद मिलेगा। माँ दुर्गा के अनेक स्वरूप हैं, उनमें माँ चंद्रघंटा एक हैं, मतलब तीसरा रूप है उनका। और तीसरा रूप की पूजा आप करते हैं तो आपको हर काम सिद्ध हो जाते हैं। माँ चंद्रघंटा को भोग के रूप में दूध अति प्रिय है, अतः आपको दूध का भोग उनको अवश्य ही लगाना चाहिए। और कल बुधवार होने से माँ दुर्गा की विशेष पूजा होगी, क्योंकि जो लाल किताब के हिसाब से, जो वैसे भी ग्रहों के हिसाब से बुध के देवता भगवान विष्णु हैं और देवी दुर्गा बुध की देवता मानी गई हैं। तो दुर्गा पूजा से और कन्याओं को जिमाने से आपको बुध जनित दोष भी मिटते हैं और बुध ग्रह की भी कृपा आपको मिलती है। तो इस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करें और हरे वस्त्र पहनकर पूजा करते हैं तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। लेकिन आप चाहें तो गुलाबी रंग के वस्त्र भी आप पहन सकते हैं। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमा श्री, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आई होप मेरे सब्सक्राइबर और व्यूवर्स खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। मेरी ब्लेसिंग्स उनके लिए यही होती है। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो आपके बहुत काम का है। अभी हमने वीडियो अपलोड किया है, उसमें हमने माता दुर्गा के 108 नाम बताए हैं, तो आप उस वीडियो को भी देखिएगा और 108 नाम का जाप अवश्य करना। अब थंबनेल पर आते हैं। आप सोच रहे होंगे थंबनेल तो बना दिया और बता नहीं रहे हो, लेकिन मित्रों क्षमा चाहूँगी उसके लिए। माता रानी का गुणगान करने से असीम शांति का अनुभव होता है, तो माता रानी का गुणगान करने से जीवा सफल हो जाती है और हमारे नेत्र तृप्त हो जाते हैं जब हम माता की शक्ति के दीदार करते हैं। तो इसलिए गुणगान आवश्यक है माता रानी का। लेकिन आपको दरवाजे पे एक ऐसी चीज़ लगानी है हल्दी से जो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा देगी। जानकारी अच्छी लगे तो सबसे शेयर करके पुण्य लाभ कमाएं, और सब आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से हमको मोटिवेशन मिलता है और हम ज्ञात कर पाते हैं कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगती है। कम्युनिटी पोस्ट में हमने माता रानी के बारे में बहुत सारे वीडियो डाले हैं, दशहरे के बारे में भी हमने बहुत से वीडियो डाले हैं, तो आप उनको भी देखिएगा और लाभान्वित होइएगा। तो आज का वीडियो बहुत पावरफुल है आपके लिए और जानना ज़रूरी है। तो मुख्य द्वार पे ऐसा क्या लगाएं कि आपकी किस्मत चमक जाए, आपके घर में हर व्यक्ति करोड़ों कमाने लगे और आपकी ये इच्छा पूरी हो जाए कि हमारे घर में करोड़ों रुपया क्यों नहीं कमाते। ऐसा हो संभव हो सकता है अगर आप मुख्य द्वार पर जब भी पॉजिटिव चीज़ लगाते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। आपको लेनी है थोड़ी सी हल्दी, कच्ची हल्दी भी ले सकते हैं जो अभी आ रही है मार्केट में, और सूखी हल्दी भी ले सकते हैं। उस हल्दी में आपको थोड़ा सा गंगा जल मिलाना है, गुलाब जल मिलाना है और थोड़ा सा फिटकरी का चूरा आपको उसमें मिला देना है। फिटकरी का चूरा बहुत सकारात्मक एनर्जी को लिया हुआ है, होता है। आप चाहें तो एक चुटकी नमक भी मिला सकते हैं, ये ऑप्शनल है। ये मिला के एक पेस्ट जैसा बना लीजिए और ब्रश की सहायता से अपने मुख्य द्वार पर दोनों ओर त्रिशूल बना लीजिए। थोड़ा सा सिंदूर भी उसमें मिला सकते हैं। सिंदूर से आप त्रिशूल बनाते हैं तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। लेकिन हल्दी से भी त्रिशूल बनाना बहुत शुभ होता है, क्योंकि हल्दी अपने आप में ही बहुत शुभ होती है। तो हल्दी से जो भी काम किया जाता है आपको सफलता देता है।
कल बुधवार के दिन आपको ये उपाय करना है, और बुधवार के दिन त्रिशूल बनाने हैं दोनों तरफ, शुभ लाभ भी लिखना है, और त्रिशूल बनाकर शुभ लाभ लिखकर भगवान गणेश का भी आह्वान करें, रिद्धि सिद्धि का भी आह्वान करें। रिद्धि सिद्धि माता का आह्वान जिस घर में होता है, भगवान गणेश की कृपा जिस घर में होती है, उस घर में करोड़ों रुपए ऐसे ही आ जाते हैं। आप शुद्ध मन से, शुद्ध चित्त से माता रानी का गुणगान करें और इस प्रक्रिया को करें अपने मुख्य द्वार पर, तो आपके जीवन में खुशहाली आती है दोनों, और आप स्वास्तिक भी बनाते हैं तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होता है, क्योंकि हल्दी बहुत शुभ होती है और हल्दी का प्रयोग जिस घर में किया जाता है मुख्य द्वार पर, उस घर के व्यारे न्यारे हो जाते हैं, उस घर में हर आदमी करोड़ों कमाने लगता है, ऐसा माता रानी का आशीर्वाद मिल जाता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताना। हम हैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री, वास्तु कंसल्टेंसी भी करते हैं और पाम रीडिंग भी करते हैं। आप हमसे तीनों ही संबंधी परामर्श ले सकते हैं। जन्मपत्री संबंधी परामर्श लेने के लिए आपको जन्मपत्री भेजने की ज़रूरत नहीं होती है, बस डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आपको भेजना पड़ता है। इसके आधार पर लैपटॉप से हम आपकी जन्मपत्री बनाकर जो सवाल आप हमसे पूछते हैं उसका जवाब ऑनलाइन दे देते हैं। सभी सर्विसेज चार्जेबल हैं और इसके लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए आपको संपर्क करना पड़ता है। पाम रीडिंग संबंधी एडवाइस लेने के लिए दोनों हाथों के प्रिंट आपको भेजने पड़ते हैं। वास्तु संबंधी दोष पता करने के लिए आपको हमें बताना पड़ेगा कि आपके घर में क्या, कहाँ क्या बना है, तब हम आपको बता पाएंगे कि आपके घर में फला फला वास्तु दोष है, और उसका निवारण का उपाय भी बताएंगे। सभी सर्विसेज चार्जेबल होती हैं, सभी के चार्जेस अलग अलग हैं। चार्जेस जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमें 25 साल का अच्छा खासा अनुभव है, हमारे इस अनुभव का लाभ उठाने से आपको फ़ायदा होगा, और इतना फ़ायदा होगा कि चमत्कृत रह जाएंगे। जहां ज्योतिष का बाज़ार गर्म है और मनमानी फीस वसूली जा रही है, वहां रीज़नेबल फीस आपसे ली जाती है, तो अवश्य ही संपर्क करिए। थैंक यू सो मच।